दुनिया भर इकट्ठी हो गई हो क्या मरते हैं इसीलिए तो बड़े बड़े कलावत भारत भवन में और पंडित वल्लभ भवन में जाकर बस गए हैं। जो देश का काम करता है उसे थोड़ी बदतमीजी का हक है, देश सेवा थोड़ी बदतमीजी। ज्ञानगंगा इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आजकल जो 14वां समर कैंप चल रहा है वो उसकी अपनी पूरी चरम सीमा पर है, और इसी के चलते आज की शाम जो है एक थिएट्रिकल एजुकेशन के नाम की गई है, जिसमें कि समागम रंग मंडल की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति सुदामा के चावल नामक नाटक का जो है यहाँ पर मंचन करवाया जा रहा है। इस नाटक का मंचन करवाने का मेन मकसद ये है कि जितने भी बच्चे समर कैंप में हिस्सा ले रहे हैं उनको थिएट्रिकल नॉलेज, उनको ये बताना कि थिएटर क्या है और इससे जुड़े हुए जो भी आस्पेक्ट हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं आम जिंदगी से और इसकी अहमियत क्या है हर इंसान की लाइफ में, ये बताना चाह रहे थे हम इसके माध्यम से। दूसरी बात है कि आज के युग में वो समय नहीं रहा है, बदलता जा रहा है। आज एजुकेशन लेकर के डॉक्टर इंजीनियर बनना, आईएएस आईएफएस ऑफिसर बनना ही एक करियर नहीं रह गया है, एक्टिंग एक बहुत बेहतरीन करियर है जिसको कि बच्चे ऑप्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। इस मार्गदर्शन को आगे ले जाने के लिए ही हमने समागम रंगमंडल में आशीष पाठक जी से रिक्वेस्ट की और ज्ञानगंगा इंटरनेशनल स्कूल जो हमेशा होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अग्रसर रहता है उसी के चलते हमने इस इवनिंग का यहाँ पर आयोजन किया, जिसके लिए कि मैं ज्ञानगंगा इंटरनेशनल स्कूल और ज्ञानगंगा ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के समस्त अधिकारियों का, मैनेजमेंट कमेटी का आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ अपने स्टाफ का कि जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मंच का आयोजन यहाँ पर करवाया, और साथ में मैं आभारी हूँ रंगमंच के इन कलाकारों का जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुदामा के चावल नामक नाटक का यहां पर मंचन किया। धन्यवाद।